अगर आपको नेशनल हाईवे से गुजरना है तो आपकी कार में फास्टैग होना अनिवार्य है। अब कार पर फास्टैग न होने से दोगुना टोल देना होगा। बता दें कि 15 फरवरी रात 12 बजे से पूरे देश में सभी फोर व्हीलर्स के लिए अब फास्टैग जरूरी हो चुका है। वहीं हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया ने टोल खिड़की डोला टोल का जायजा लिया। लगभग एक साल से हर टोल के ऊपर जो है फास्टैग की प्रक्रिया शुरू की गई जा चुकी है। हर जो टोल है वहां पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया जा चुका है, लेकिन अब जो है गुरुग्राम के जो खेड़की ढोला टोल है उसमें जिस तरीके से लगातार खेड़की ढोला जो टोल है एक चर्चित टोल रहा है, और अब से ये निश्चय कर लिया है कि अब से कोई भी गाड़ी जो है बिना फास्टैग की नहीं निकलेगी। अगर कोई गाड़ी बिना फास्टैग की निकलती है तो उस पर पहले तो डबल टोल देना पड़ता था, लेकिन अब जो है भारी जुर्माना भी है। क्या कुछ जो स्थिति है वो बताइए, कितना जो है आप टोल ले रहे हैं, और अगर फास्टैग नहीं है फास्टैग से कितना कटेगा और बिना फास्टैग के कितने? 65 रुपए कार का, अब डबल हो गया, अब 130 हो गया, 130 रुपए। हाँ जी। अच्छा, और अगर जैसे कि यहाँ पे आप वो बंदा अगर फास्टैग नहीं है उसके पास, और सपोज करो वो इस लाइन में आ जाता है फास्टैग वाली में, तो क्या होगा? उसको डबल पैसे देना पड़ता है? देना पड़ेगा जरूर, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर आप फास्टैग आपकी गाड़ी में नहीं है और उसके बावजूद अगर आप फास्टैग वाली लाइन में आ जाते हैं तो आपको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। लंबे समय से जो है फास्टैग लगाने की गुजारिश जो है वो की जा रही थी, और लोगों से ये कहा जा रहा था कि वो फास्टैग के जरिए, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है उसमें फास्टैग लगा हुआ है। अब परेशानी क्या आ रही है इनके साथ, क्या परेशानी आ रही है? 130 रुपए नहीं दे रहा है, 130 रुपए नहीं दे रहे, लेकिन इनकी गाड़ी का तो फास्टैग है। फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, बिल्कुल। यहाँ पे इनका कहना है कि फास्टैग लगाए, लेकिन वो भी उसमें भी रिचार्ज होना चाहिए, उसमें रिचार्ज प्राप्त होना चाहिए, और तभी जो है यहाँ से गाड़ी निकल सकती है। कैमरामैन जोगिंदर सिंह के साथ मैं शिवानी लोहिया, नेटवर्क 10 के लिए गुरुग्राम।